पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब उत्तर भारत में भी दिखाई देने लगा है, जिसके चलते आज सुबह घना कोहरा देखा गया, जिसके चलते दृश्यता बहुत ही कम रही। कोहरे के कारण दुर्घटनाओं में भी भारी इजाफा हो रहा है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। हालांकि दिन में धूप निकलने से कोहरे से राहत मिल रही है, लेकिन रात और सुबह के दिन निकलते समय छाया हुआ घना कोहरा आफत बना हुआ है। बल्लभगढ़ में भी घना कोहरा देखने को मिला। सुबह लोग उठे तो सारा बल्लभगढ़ कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया और लोग अपनी गाड़ियों को धीमी रफ्तार पर चलाने को मजबूर दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर किस कदर कोहरे के चलते दृश्यता ना होने के बराबर दिखाई दे रही है। आज सुबह तापमान 12 डिग्री सेल्सियस मापा गया, जबकि 8 बजे के बाद ये तापमान बढ़कर 14 हो गया। लोगों ने बताया कि आज पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा काफी ज्यादा है और इतना ज्यादा है कि आमने सामने के लोग एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे, जिसके कारण गाड़ियों की लाइटें जलाकर चलानी पड़ रही है। अब दो दिन से तो पड़ा है तो क्या हुआ? दो दिन से पड़ रहा है। विजुअल कैसी दिखाई, कितनी दूर से दिखाई देना? बहुत बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि दो दिनों से पड़ रहा है, पर ज्यादा पड़ रहा है। हाँ, आज ज्यादा हुआ है। पहली बार आया इस साल तो अभी। इस साल का पहला दिन है ये। अच्छा, बहुत से बता रहे कल भी हुआ था थोड़ा बहुत। मामूली से, नहीं के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर। आज ज्यादा है। आज ज्यादा है। अच्छा, कितनी दूर से विजुअलिटी खत्म हो रही है? सर को पास में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाड़ी चल रही है तो कैसा माहौल लग रहा है? दिक्कत है सर, हम अभी ड्यूटी से आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है। सुबह सुबह दूध देने निकले हैं, सेक्टर 62 पहुंचे, कैसा माहौल लग रहा है कोहरे का? माहौल भैया 10 की 15 की स्पीड में चली है गाड़ी बिल्कुल वहां से। अच्छा, मंदी मंदी लेकर आ रहे हैं अपनी जान बचाते हुए। अच्छा, क्यों जान को बचानी पड़ रही है? वैसा ही भाई को पीछे से ठोक दे, आगे से ठोक दे, आराम आराम से लामे। अच्छा, कोहरे की विजुअलिटी कैसी है, कितनी दूर से दिखाई दे रहा बंद हो रहा है? कोहरा तो भाई कोई 10 कदम से आगे दिखाई ना दे रहा, यहाँ तो दिखाई तो दे रहा, आगे तो कुछ। अच्छा, आज दूसरा दिन है, पहला दिन है कोहरे का? आज ज्यादा है, कल भी था, आज ज्यादा है। आज ज्यादा है, यानी कि दूसरा दिन है आज। जी, तो सीजन का ये दूसरे दिन का कोहरा है। जी जी, तो आज माहौल कहीं ना कहीं ज्यादा कहर डाल रहा है। हाँ, कहर डाल रहा है। कैसा रहा कोहरा का? कोहरे का आज अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। कभी सदियों पहले पड़ता था जो आज ये फील हो रहा है। आज ये फील हो रहा है, कितने साल पहले का कोहरा आज फील कर रहा है? तकरीबन 20-25 साल। 20-25 साल पहले। कितने दूर से विजुअलिटी खत्म हो रही है? तकरीबन 20 मीटर। 20 मीटर से? हाँ जी, 10 तो ऐसे में, क्योंकि अगर जो हम देखें कोहरा बहुत ज्यादा है तो हादसा मतलब कोई हो सकता है इस तरीके, क्योंकि विजुअलिटी नहीं नजर आ रही है हमें बिल्कुल। हादसा हो सकता है, हो सकता है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में लोगों को भी सावधानी से चलना चाहिए। और पहला दिन है, दूसरा दिन है कोहरे? दूसरा। गौरतलब है कि शीतकालीन मौसम में धुंध पड़ने के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में कई हादसे भी सामने आते हैं। पंजाब के सिटी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।